नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जेबीएम ऑटो के बारे में। उससे पहले आपको बता दूं, 2 तारीख का डेट याद रखना, 2 मई को, क्योंकि ये जेबीएम ऑटो की इंडस्ट्रीज का जो है ना रिजल्ट आने वाला है, और साथ साथ में ना डिविडेंड का भी घोषणा हो सकता है। तो दोनों चीज़ को हम कवर करेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, तभी आपको ना टाइम पे अपडेट मिल पाएगा। अभी आते हैं टेक्निकल्स को लेकर बात करते हैं। तो टेक्निकल्स में देखिए, पहले मैं आपको डिलीवरी बेसिस बता दूं, आज मार्केट भले ही ना एक तरह से दबाव में रहा है, वो कोई अपडेट नहीं देखने को मिल रहा, जैसे कि ना अपसाइड जा रहा है ना डाउन साइड जा रहा है, न्यूट्रल क्लोजिंग देने को रेडी हो रही है, मगर इसमें ना 62% का ना डिलीवरी बेसिस है। ये बहुत ही अच्छा है, जो कल के मार्केट में एक अच्छा देखने को मिल सकती है। और सेलर बायर की बात किया जाए तो सेलर जो है 34,000 है, बायर कितना था 9,000 के आसपास है, तो एक तरह से न्यूट्रल है, दबाव उतना नहीं है, यानी कि डिलीवरी बेसिस शानदार है, जिसकी वजह से ना कल के दिन एक थोड़ा सा अपसाइड देखने को मिल सकती है। और अब बात करते हैं टेक्निकल्स और रेजिस्टेंस की, तो इसमें देखिए ना सपोर्ट एरिया जो है ना 17-12 का एक सपोर्ट एरिया है, जो पहले यहाँ पे कितनी बार मार्केट इसने एक तरह से रेस्पेक्ट किया, जैसे यहाँ पे एक बार हो गया, 2 बार बराबर ना, ये 3 बार हो गया, तो यहाँ से जब ब्रेकआउट दिया था कितना अच्छा मूवमेंट दिया। तो सेम चीज ना अभी ऑटो इंडस्ट्री से आप कोई भी उठा कर देखो, तो टीवीएस मोटर उठा कर देखो, उसमें भी एक तरह से रैली चालू हो गई है। दूसरा हीरो मोटर का उठा कर देखो, तो उसमें भी रैली चालू हो गई है। तो जेबीएम ऑटो में भी एक मूवमेंट देखना चालू हो सकती है, अभी बना नहीं है लेकिन मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्रीज में एक तरह का ही मूवमेंट देखने को मिलता है। और पहला जो टारगेट रहेगा ना हमारा, ये रहेगा 1866 का, अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 1821 का, तो कल ये जब ब्रेकआउट कर देता है ना, तो इसमें मूवमेंट ना फिर बाद में सीधा हमको इस कैंडल के हाई तक का देखने को मिल सकती है, वो है 2099 का। ये एक लेवल क्यों ऐसा बता रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो एक बार जब ये ब्रेकआउट लिया था ना, तो यहाँ कितना शानदार रैली दिया था, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है। और अभी बात करें ये कैंडल का, जो मैं सपोर्ट बता रहा हूँ ना, ये जो ज़्यादा दिख रहा है, ये मैं पुराना सपोर्ट बता रहा था, मगर ये अभी जो है ना नया सपोर्ट के हिसाब से बात किया जाए, तो एक कैंडल जो है ना इस कैंडल के लो तक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, जहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकती है। जैसे 17:48 है, आपको गैप ज़्यादा दिख रहा है, मगर ना ये गैप कुछ ज़्यादा नहीं है, प्राइस के हिसाब से देखोगे ना गैप कुछ नहीं है। यहाँ पे जैसे 2% का मूवमेंट होता है ना, तो सीधा इसमें 50 पॉइंट का ना 50 से 70 पॉइंट है ना डाउन हो जाता है, इसलिए ना 2 पॉइंट का गैप ये जो आपको दिख रहा है वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहला एक टारगेट रहेगा 1866 का, ये जैसे ब्रेक करता है ना तुरंत ही ना एक मूवमेंट है 2099 तक का देखने को मिल सकती है। बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, चैनल पहली बार तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।